बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में। आपको भाई आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है, जो कंफर्म रेट यानी कि होगा इंशाल्लाह ताला, उससे अपडेट करूंगा मैं रोज़। अभी आप भाई के साथ ये वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ। आज मैं जद्दा बनी मालक में फौरी बैंक और इंजाज बैंक के बाहर ही बैठा हुआ था, तो इंजाज बैंक से एक पाकिस्तानी पैसे भेजकर बाहर आया, तो मुझको वो पेपर दिखा रखा था कि भाई देखना क्या रेट लगा है। तो जो कन्फर्म रेट है उससे यानी कि आपको अपडेट करूंगा इंशाल्लाह। पहले अगर बात करें डॉलर रेट के मुतल्लिक, और इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ से और अपडेट करना चाहूंगा, तकरीबन आपको फायदा होगा उससे भी। 176.79 था जी कल का डॉलर का रेट, और आज हो चुका है जी 177.43, यानी कि 60-65 पैसे भाई डॉलर मजीद अप हो चुका है। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो इस चीज़ से फायदा होता है, जाहिर सी बात है डॉलर और रियाल का रेट अप होता है, लेकिन पाकिस्तान में इस लिहाज से भाई महंगाई भी फिर बढ़ती है। अगर रियाल रेट के मुतलक बात करें तो 47.4 या 47.5 रेट है, यहां पर आपको दिखा रखा हूंगा मैं आज का गूगल का रेट है। अक्सर भाई मुझे कमेंट करते हैं कि भाई इससे 1 रुपया 1.5 रुपया कम होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आज मैंने जो इंजाज का रेट कन्फर्मली आपको बता रहा हूं, उस भाई ने पैसे भेजे थे जी 2250 थे तकरीबन टोटल, और उसके 25 रियाल फीस कटी हुई थी, 2225 रियाल उसके गए थे, और 2225 रियाल के उसके पैसे बने हुए थे 1,38,000, 1,03,800। तो मैंने जब उसको ज़र्ब देकर उसको बताया तो वो 46-65 रेट बनता है तकरीबन। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि 46-65 रेट है जी इस टाइम का कन्फर्मली, यानी कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ 46.5 से लेकर 46-70-80 के अराउंड में चलता रहता है। ATM के ऊपर रेट और होता है, मोबाइल ऐप के ऊपर रेट और होता है, बैंक में रेट और होता है, फीस भी इस हिसाब से भाई इनकी मुख्तलिफ होती है, ठीक है जी। बहरहाल जो कन्फर्म रेट है जी आज का 2245-2265 मैंने आपको बता दिया।